हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता सैनी मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं सिंगाड़े के आटे का हलवा। ये हलवा आप किसी भी व्रत में जैसे एकादशी, जन्माष्टमी, नवरात्रि आदि में बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। इसके लिए हलवे के लिए मैंने लिया है एक कटोरी आटा सिंगाड़े का, एक कटोरी चम्मच चीनी, 3 चम्मच घी, थोड़े से किशमिश, ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने, इनको मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। अब हम इसको भूनने के लिए कढ़ाई लेंगे और गैस को हम गर्म कर देंगे। अब कढ़ाई में आटा डालते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए हम हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसको हमको हल्का ही भूनना है। अभी इसमें घी भी नहीं डालेंगे, हम ऐसे भूनेंगे इसको। इसको लगातार ही चलाते रहें, नहीं नीचे से जल जाता है, चिपक जाता है। इसको लगातार ही चलाते रहें। हमारा आटा भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट में। सारा आटा प्लेट में निकाल लिया है मैंने, अब इसको रख देते हैं। अब कढ़ाई में आधा गिलास पानी डालते हैं हम। अब इसमें चीनी डाल देते हैं ताकि ये मेल्ट हो जाए। जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक हम इसका घोल बना लेते हैं। अब एक कटोरे में हम आटे को डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसका आटा बहुत पतला होता है तो इसमें लम्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो हम इस तरीके से बनाते हैं तो लम्स एक भी लम्स नहीं बनता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम पतला घोल बना लेंगे इसका, ताकि इसमें एक भी लम्स नहीं रहे। तो अच्छे से फैट ले। घोल एकदम तैयार हो गया है। अब हम चीनी के पानी में इसको डाल देते हैं। जब तक टाइट होता है जब तक हम इसको पका लेते हैं। हमारा हलवा एकदम टाइट हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल दे, किशमिश डाल दे, 2 चम्मच घी के डाल दे और इसको अच्छे से मिला ले। हमारा हलवा बन चुका है, एकदम एक इकट्ठा हो गया है। ये कढ़ाई बिंदी नीचे चिपक रहा। अब गैस बंद कर देंगे और इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा हलवा तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, नवरात्रों में बनाकर खाएं, या आपको टेस्टी लगेगा।